दोस्तों, क्या आपको पता है साधु संत हमेशा नारंगी रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्या फिर आपको ये पता है कि एक बार में जंबो जेट कितना फ्यूल खर्च कर देता है? क्या फिर आपको ये पता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने पर खून आता है? अगर नहीं तो बन रहेगा इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं नॉलेज, आज मैं फिर से आ चुका हूं आप सभी की नॉलेज को हैक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 30। दोस्तों, जो अपनी स्किन पर एक पेड़ को देख रहे हैं ना, इस पेड़ को ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। इसे काटने पर खून आता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह इसे काटने पर खून आ रहा है ना, अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 29। दोस्तों, हमें सीवेज की बात सुनते ही हमें गंदगी का आभास होता है, पर क्या आप जानते हैं जापान के सीवेज बहुत ही साफ होते हैं? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह वहां पर मछलियां तैर रही है। फैक्ट नंबर 28। दोस्तों, अल्फा एक्स सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और यह जापान में चलती है। इसकी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फैक्ट नंबर 27। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह शिप के ऊपर शिप रखी गई है, पर क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोसेस को शिप कहा जाता है। फैक्ट नंबर 26। हेल्दी इंसान के लंग्स इस तरह दिखते हैं और उसका कलर पिंक होता है, और जो स्मोकिंग करता है उसके लंग्स इस तरह दिखते हैं और उसका कलर ब्लैक होता है। आप देख सकते हैं इन दोनों लंग्स में कितना अंतर है, इसलिए मैं आपको कहता हूं डू नॉट स्मोक। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, क्या आपको पता है अनकॉपीराइटेबल एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी अल्फाबेट दोबारा रिपीट नहीं होता? क्या आपको यह पहले पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, फेयर टेल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो कि एक महल की तरह दिखता है और यह देखने में बहुत ही औसम लगता है। फैक्ट नंबर 23। आलू यानी कि पोटैटो वह वाईफाई और मोबाइल टावर्स को अपनी तरफ खींचता है। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, अगर आपका फोन कभी पानी में गिर जाए तो आप उसे पंखे के आगे ना रखकर उसे चावल में डालें तो वह बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि चावल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मोबाइल को सुखा देती है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, 90% लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर पे रहते हैं जबकि 10% लोग साउथ हेमिस्फीयर पे रहते हैं। क्या आप ये पहले जानते थे? फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में रेनबो तो जरूर देखा होगा, वह बहुत ही सुंदर लगते हैं, पर आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, ये एयरप्लेन से देखने पर कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, लग रहे हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, क्या आपको पता है 90% सारी की सारी हाईएस्ट पीक सिर्फ और सिर्फ हिमालय माउंटेन्स पर ही प्रेजेंट हैं? क्या आप ये पहले जानते थे? फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, क्या आपको पता है हर दिन 2 करोड़ लोगों का बर्थडे होता है? क्या आप ये पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, जब अपनी स्क्रीन पर एक डॉग को देख रहे हैं ना, इस डॉग का नाम योगी है और इस डॉग की शक्ल ह्यूमंस की तरह लगती है। फैक्ट नंबर 16।
दोस्तों जब अपनी स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं ना, इसे सीक्रोज कहा जाता है। ये जब आता है जब लहरें दोनों तरफ से आती है। फैक्ट नंबर 15, 5_6, इन दोनों के बीच में जो लाइन आ रही है, क्या आपको पता है इस लाइन को क्या कहा जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, इस लाइन को वेनकुलम कहा जाता है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों जापान में 2011 को एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसमें रोड एकदम बीच से कट चुकी थी और यह देखने में औसम लग रही थी। फैक्ट नंबर 13, भी हम बहुत ही यूनिक देखते हैं तो हम OMG शब्द बोलते हैं, पर क्या आप जानते हैं OMG शब्द कब बना था? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, OMG शब्द 1917 में बना था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों टाइपराइटर एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि कीबोर्ड पर एक ही लाइन पर आता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हर शूटिंग या फिल्म्स में रीटेक होते हैं, पर क्या आप जानते हैं चार्ली चैपलिन ने 2005 में सबसे ज्यादा रीटेक लेने का रिकॉर्ड बना लिया था? उन्होंने अपने एक सीन पर 300 से भी ज्यादा रीटेक लिए थे, क्योंकि ही वॉन्ट बेस्ट सीन्स। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है 100 सालों में कितने सेकंड होते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, 100 सालों में 3,15,36,00,000 सेकंड्स होते हैं। क्या आप ये पहले जानते थे? फैक्ट नंबर 9, दोस्तों एंट्रेस नामक स्टार सूर्य से तकरीबन 60,000 गुना बड़ा है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टार के सामने सूर्य का आकार कितना छोटा है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जब अपनी स्क्रीन पर एक मुर्गे को देख रहे हैं, इस मुर्गे को ब्लैक चिकन कहा जाता है और यह बहुत ही यूनिक है। यह चिकन पूरा का पूरा काला होता है, इसके अंडे भी काले ही होते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है गार्डन स्नेल को अगर हम ब्लेड से काटे तो वह नहीं कटेगा? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पांडा नानी जॉब एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अजीब जॉब है, जिसमें कि एक इंसान को पांडा की नानी बनना पड़ता है। और इस जॉब की सैलरी की बात करी जाए तो इस जॉब की सैलरी बहुत ही ज्यादा है। इस जॉब की सैलरी $32,000 पर ईयर है, यानी कि 20,00,000 रुपए पर ईयर। क्या आप यह जॉब करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, जेट में एक बार में कितना फ्यूल भरा जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, जंबो जेट में एक बार में इतना फ्यूल भर जाता है जिससे कि एक कार पृथ्वी के 4 चक्कर काट सके। और वह जंबो जेट हर एक सेकंड में 4,000 लीटर फ्यूल यूज करता है। फैक्ट नंबर 4, तो अगर हम 259 को मल्टीप्लाई करें 36 से और उसे मल्टीप्लाई करें अपने 8th आंसर, यह आएगा कि जो भी हमारी एज होगी वह 3 बार रिपीट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 259 को मल्टीप्लाई करा 36 से और उन्हें मल्टीप्लाई करा 15 से, तो आंसर आया 15, 15, 15। आप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कैट पॉप से बनती है? क्या आप ये पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 2, पता है जापान के स्कूल में 10 साल की उम्र तक बच्चों की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती? फैक्ट नंबर 1, दोस्तों साधु संत हमेशा नारंगी रंग के कपड़े क्यों पहनते? क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं,
अगर साधु संत की बात हो रही है तो इसका रीजन भी आध्यात्मिक होगा। सनसेट का कलर भी नारंगी होता है, आपका कलर भी नारंगी होता है, शरीर के सेकंड चक्र का कलर भी नारंगी होता है और इस रंग को कलर ऑफ ब्लेस यानी कि आनंद का कलर कहा जाता है। यही कुछ वजह हैं जिसके चलते साधु संत नारंगी कलर के कपड़े पहनते हैं। क्या वे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जितना हो सके करिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को नॉलेजेबल लगी हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सामने दिख रहे आइकन पर क्लिक कर। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।